गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर, हाउ आर यू? आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो स्टूडेंट, टुडे डेट इज 13/10/2020। आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर सराउंडिंग्स। So student, let do little recapitulation what we have done in our previous video. So in a previous video student, we are discussing about waste management. So what is waste management? It is important to find a solution to the problem of a waste disposal. I have already explained you that there are two types, wastes are of two types, biodegradable and non-biodegradable waste. But when we are talking about the category of the waste, then we find that it is in liquid form also and it is in solid form also. Okay, so student, this is very important because lot of waste, and waste meaning is, I hope, is it clear to all of you, the things which are no use to us, aisi cheeze ab jinki hame koi zarurat nahi hai, to wo cheeze hamare liye kya ho jati hain, waste ho jati hain, वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, एवरी डे वी थ्रो लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर हाउसेस। सो स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वी दैट वी आल्सो फाइंड आउट द व्हाट आर द सॉल्यूशंस, हाउ वी कैन डू द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दीज waste materials, because name of the chapter indicate our surroundings. It means what you will do to keep your surroundings, what you can do for the cleanness of your surroundings. Because student, I already explained you that we take care of our personal hygiene, we take care of our body parts also, and we do different things to maintain our personal hygiene. And why we do this? We do this to keep ourselves fit and healthy. So student, if you do this only with yourself or in your home only, then it is possible that you will fit and healthy? No, because the places, many times you have to go outside your houses. If your surroundings are not clean, then it is possible that you live a fit and healthy life. No student, this is not possible. So this is our responsibility. Okay, so this is also our responsibility, what we can do to keep our surroundings clean. Okay, so in this we discuss about the role of 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. Okay, so in this we have discussed. So student, we are using the natural resources. देखो,
लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर द फूड पार्ट वी आर टोटली डिपेंड अपॉन प्लांट बिकॉज प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स एंड एज ए ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स वी टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर आवर लाइफ एंड इन द सेम मैनर वट एवर थिंग्स। हमने एक चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था, सी देयर सम फ्यू थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर, तभी तो हमारे अर्थ को स्पेशल प्लैनेट भी बोला गया है। बिकॉज ऑल दीज कंडीशंस आर प्रेजेंट इन दिस प्लैनेट ड्यू टू विच द लाइफ इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स आल्सो, टोटल प्लैनेट्स आर 8 एंड आउट ऑफ 8 ओनली अर्थ इज द प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। सो व्हाई द इन अदर प्लैनेट्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आवर अर्थ हैज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ। सो स्टूडेंट वी मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सिस ऑल्सो, बिकॉज स्टूडेंट वट एवर थिंग्स हम कहते हैं कि मैन मेड थिंग्स है, ठीक है। तो बेटा इन मैन मेड थिंग्स के लिए जो आपको रॉ मटीरियल मिल रहा है, मतलब मैन मेड जो द थिंग्स विच आर मेड बाई द ह्यूमन बींग्स, सो ये ह्यूमन बींग्स जो है फ्रॉम वेयर दे गेटिंग द रॉ मटीरियल, उनको न्यू थिंग्स बनाने के लिए मटीरियल कहाँ से मिल रहा है, वो तो बेटा नेचुरल रिसोर्सिस से ही मिल रहा है ना। इज इट क्लियर? सो रिड्यूस, तो हमें इन नेचुरल रिसोर्सिस को कम यूज करके भी उन्हें सेव कर सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल आप लोग को मैंने बताया था, वी शुड स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज नॉट इन यूज, ओके। इफ यू आर सिटिंग इन वन रूम एंड वॉचिंग द टीवी एंड ऑन ऑल द अदर रूम्स फैन इज रनिंग, सो इट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सो यू कैन सेव एनर्जी बाय स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट इवन इन योर होम इन विच रूम you are doing no work in that room. So other points also we have discussed, we should buy only what we need, ठीक है, because if you buy the things more things then what happens, you throw the things, sometime होता है हम लोग food मंगवा लिए, ठीक है, फूड मंगवा लिए उसके बाद उस फूड को थ्रो कर दिए, तो वो वेस्टी मटेरियल हो गया ना। इज इट क्लियर? देखो इंडिया में ये सब चीजें बहुत वेस्ट होता है, इंडिया में वेस्ट मटेरियल बहुत बनता है, यहाँ की मैरिजेस हैं, हाउसेस हैं, पीपल्स लॉट ऑफ देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड फ्रॉम द हाउसेस, ठीक है, पीपल ऑफ द कंट्री आर वेरी पुअर। सो आजकल तुम लोग देखते होगे कि इन टू हेल्पिंग द पुअर पीपल देयर आर सम नंबर्स, इफ देयर इज एक्स्ट्रा फूड इन देयर हाउस देन डोंट थ्रो दैट फूड, ओके। वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप वहां फोन करोगे वो आपके घर आएंगे और फूड कलेक्ट करके ले जाएंगे। बिकॉज इंडिया में बेटा इट इज ट्रू टू से दैट सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ फूड जो है वो इंडिया ही में है। अगर ये वेस्टेज ऑफ फूड ना हो तो नो वन विल सफर ड्यू टू दिस फूड। हेयर एंड देयर यू सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स बेगर्स जो भीख मांगते हैं, देखा है ना, इंडिया ही में होता है ऐसा, और फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, आपको कोई नहीं मिलेगा भीख मांगते हुए, बट इंडिया में है। बिकॉज इन आवर कंट्री देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड, दिस थ्री टाइप्स ऑफ थिंग्स नॉट हैपन्स इन many other countries, is it clear? So always whenever you buy anything or you order anything for the eating purpose also, so at that time be sure that you are not wasting that things. We should not store things which are not needed, we should always carry a cloth bag and avoid or ignore the use of the plastic bag. So these are the things which we have discussed in reduce. Now reuse, how we can reuse the things? For example, see student, in from when you buy the things from the market,
many things you are getting in the plastic bottle or the glass bottle. So instead of throwing this bottle, you can reuse this bottle by putting other things in this bottles. Okay, इस तरह भी आप लोग इसको क्या कर सकते हो, रीयूज भी कर सकते हो. ठीक है, पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क कर सकते हो आप. ठीक है, सो यू आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि आपको क्रिएटिविटी बोलते हैं, आपकी अपनी थिंकिंग से यू क्रिएट सम न्यू थिंग्स, या कोई नया डिजाइन बना दिया, कुछ भी बना लिया. ठीक है, जैसे राखी कॉम्पिटिशन आप लोग का होता है, तो हम लोग आपसे बोलते हैं ना, यू विद आप राखी कॉम्पिटिशन में यू डायरेक्टली डोंट बाई राखी फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, यू गेट द यू बाई द मटीरियल्स फ्रॉम द मार्केट एंड आफ्टर दैट इट इज योर क्रिएटिविटी, यू मेक अ राखी फ्रॉम दैट मटीरियल्स. ओके, सो इन दिस मैनर यू कैन डू आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क ऑल्सो, पेपर वर्क, क्लोथ नैपकिन्स, ये सब आपको बताया ही था. नेक्स्ट कम टू द टूडे, लेट स्टार्ट विद द व्हाट इज अ रिसाइकिल. रिड्यूस, रीयूज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नाउ स्टार्ट विद द रिसाइकिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिसाइकिल. यू टेक योर पेंसिल ऑल्सो एंड इफ यू कैन अंडरलाइन इट इन द बुक, यू कैन अंडरलाइन इट. वी कैन रिसाइकिल सम ऑफ द वेस्ट मटीरियल्स एंड मेक यूजफुल थिंग्स आउट ऑफ देम. ओके, सो यू कैन रिसाइकिल, मतलब आप उसको फिर से आप किसी दूसरे ढंग से उसी चीज को यूज कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, रिसाइकिलिंग इज रीयूजिंग ऑफ मटीरियल्स लाइक पेपर है. ठीक है, जो पेपर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूजी पेपर है, ग्लास है, एल्बूनियम है, प्लास्टिक एक्स्ट्रा, इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम मतलब इनको आप फेंक भी देते हो, तो फेंकने से बेटर है कि आप इसको कोई नहीं काम में यूज कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड न्यूज पेपर होते हैं, सो वी कैन पुट दिस ओल्ड, यू कैन यूज दिस ओल्ड पेपर इन योर अलमीरा ऑल्सो. ठीक है, अलमीरा में वो पेपर्स लगा दिए, न्यूज़पेपर उसके ऊपर क्लोथ्स रख दिए. ठीक है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन विच यू कैन रिसाइकिल दिस पेपर. ओके, और बहुत से आप लोग ने मार्केट में देखा होगा कि अब क्या है, पॉलिथीन पे क्या है, मैक्सिमम स्टेट ने बैंड लगा दिया है, फॉर द यूज ऑफ द पॉलिथीन इज बैंडेड इन मैक्सिमम स्टेट. नाउ इफ यू गो टू द मार्केट, देन यू आर व्हेन यू बाइंग द थिंग्स देन इन अ पेपर, in a paper bag, in that things they give you the things which you buy, they are not giving you polythenes in maximum state. Okay, so in this purpose also these newspaper can be recycled. ठीक है, recycle हो सकते हैं newspaper. जैसे did you know में दिया है, did you know it is given, you can make shoe laces from recycled plastic bottle. Plastic bottle से भी आप shoe के lace बना सकते हो. ठीक है, उसे scissor लो, बिल्कुल जैसे lace जितने पतले पतले होते हैं उसे उसके cut कर लो scissor से, और उससे भी आप lace बना सकते हो. आजकल तुम लोग घर पे ही हो, तो this is a homework for you. With the plastic bottle you make a shoe lace, and in online doubt session classes open your video and show me your shoes lace to me, and this is made from a plastic bottle. ठीक है, online class में दिखाना मुझे. कल नहीं, मंडे नहीं, अभी 1-3 days का टाइम दे देते हैं. वेनेसडे को, ठीक है, वेनेसडे को एक आप जो अपनी क्रिएटिविटी होगी, जो बॉटल से आपने बनाए होंगे शूज ले, दैट यू विल शो टू मी इन योर ऑनलाइन क्लासेस. And at that time your video should be on. ठीक है, video on रखना. अब देखो, what are the advantages of recycling? अब recycling के advantage क्या है? We save our natural resources like tree, soil, water, extra. ठीक है, ये सब क्या है? Natural resources हैं. ठीक है, how you are saving the trees? अगर trees आप save कर रहे हो, क्योंकि आप इसकी recycle कर रहे हो. Because why? These papers are also made of the tree. ये भी प्लांट ही मटेरियल है. इसके लिए पेपर्स जो हैं आपके बेटा, आपकी बुक्स है, कॉपीज है,
फॉर ऑल दीज थिंग्स वेयर यू आर गेटिंग द पेपर, वी आर गेटिंग द पेपर फ्रॉम द ट्रीज। तो अगर आप इसकी रिसाइकलिंग कर रहे हो तो आप बहुत से पेड़ों को कटने से बचा रहे हो, आप बहुत से पेड़ों को कटने से बचा रहे हो। इज इट क्लियर? सो सॉइल है, वाटर है, वाटर का मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया, सॉइल है, सॉइल क्या होती है, लैंड आल्सो गेट इफ यू थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन लैंड। तो इससे क्या बेटा, इसके नेक्स्ट चैप्टर में ये डिटेल में बताऊंगा आपको, इससे क्या क्रिएट होती है, लैंड पॉल्यूशन होती है, ठीक है। एंड वाटर को भी आप लोग रीयूज कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोग बताया था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो वाटर जाता है, फर्दर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, फिल्टर करते हैं। हाँ, दैट वाटर इज नॉट यूज फॉर द ड्रिंकिंग और कुकिंग पर्पज, बट दैट वाटर कैन बी यूज अगेन फॉर द कल्टिवेशन पर्पज, और दिस वाटर कैन ऑल्सो बी सप्लाई टू द एरिया वेयर देर इज कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, जहाँ कहीं बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा हो तो उसमें आप लोग देखो ना, ईंटा को जोड़ने से पहले उसे भिगाते हैं वाटर में, ठीक है। और जो सीमेंट है, स्मॉल पीबल्स हैं, सैंड है, इन सबको मिक्स करने के लिए उसमें क्या यूज करते हैं बेटा, वाटर यूज करते हैं, ओके। एंड लॉट ऑफ वाटर इज यूज एट द टाइम वेन यू आर मेकिंग द पक्का हाउस, जब आप पक्का हाउस बना रहे होते हो तो उस समय वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इन दिस थिंग्स यू कैन यूज दिस वाटर, सो दिस वाटर कैन बी सप्लाई टू द एरियाज वेयर देर इज कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, ठीक है, ओके। नाउ सी स्टूडेंट, आफ्टर दैट सी व्हेन यू रिसाइकिल पेपर यू कट लेस ट्रीज टू मेक न्यूज़पेपर। देखो ये मैंने ऑलरेडी आप सब से ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वी सेव एनर्जी एज एनर्जी यूज बाय फैक्ट्रीज टू मेक न्यू थिंग्स, ओके, यू कैन सेव द एनर्जी, ठीक है। सो देखो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो एनर्जी है, क्योंकि ये किससे मिलती है आपको, वाटर से मिलती है, कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी आती है। सो दीज यू कैन, अभी मैंने रिड्यूस टर्म जाने जब मैंने आपके संग डिस्कस किया था उस समय मैंने आप लोग से बताया था ना कि हाउ वाई स्विच ऑफ द फैन व्हेन नो वन इज इन द क्लास और ऑफिस और इन द हाउस। सो इन दिस मैनर यू कैन सेव द एनर्जी, और ये एनर्जी फैक्ट्रीज में यूज होगी, क्योंकि फैक्ट्रीज में बहुत सी चीज़ें बनती हैं, खाने की भी बनती हैं और भी अदर आइटम्स हैं, तो आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। वी सेव द एनवायरमेंट बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्रीज, और इन दिस मैनर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेविंग द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट में सब आ गए आपके, पूरे लैंड के बारे में भी डिस्कशन हो गया, वाटर के बारे में भी डिस्कशन हो गया, एयर के बारे में भी डिस्कशन हो गया। सो इन दिस मैनर वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट, ऐसा करके हम अपने एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं बेटा, सेव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट डिस्कस द की वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज कंपोस्ट, कंपोस्ट, चलो अब ये की वर्ड है। देखो बेटा की वर्ड एंड थिंग्स टू रिमेंबर, दिस आर द कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द चैप्टर, बिकॉज आफ्टर एक्सप्लेनेशन, माय एक्सप्लेनेशन, डू यू डू द रीडिंग ऑफ योर चैप्टर वन और टू टाइम, एंड देन आफ्टर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्लीज रीड दिस पॉइंट्स विच इज गिवन थिंग्स टू रिमेंबर। दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर, जैसे हिंदी में आपको कोई स्टोरी सुनाई जाती है और लास्ट में बोलते हैं ना इसका स्टोरी क्या क्या, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस थिंग्स टू रिमेंबर, दिस इज द कंप्लीट समरी है ये चैप्टर की। अगर इन पॉइंट्स को रीड करने के बाद एवरी पॉइंट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट कीवर्ड इज कंपोस्ट। अब देखो कंपोस्ट क्या है, देखो वेस्ट आर ऑफ टू काइंड, दैट इज सॉलिड और लिक्विड। वैसे वेस्ट डिवाइड कितने पार्ट्स में हुई है, दैट इज बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल, ठीक है। नाउ कंपोस्ट है, तो व्हाट हैपन इन दिस, दिस इज अ वेरी सेफ एंड गुड मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट।
ये कंपोस्ट मेथड जो है सॉलिड वेस्ट को नष्ट करने का, खत्म करने का बहुत बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कंपोस्ट में पिट्स को डग करते हैं, ठीक है, जमीन में गड्ढे बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी पुट ऑल द बायोडिग्रेबल वेस्ट। बायोडिग्रेबल वेस्ट इज आई थिंक वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, द वेस्ट विच आफ्टर डीके, डीके मतलब होता है बेटा कोई चीज सड़ के खत्म हो जाती है ना, तो आफ्टर डीके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो जाती है, सड़ने के बाद सॉइल में ही मिक्सअप हो जाती है, उसी का ही पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो दैट इज, अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर पुटिंग ऑल दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन दिस कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट में डाल दिया, उसमें कुछ काऊ डंग भी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वाटर भी डाल देते हैं, फिर उसके बाद इसकी लेयर को सॉइल की लेयर से इसे कवर्ड कर देते हैं टोटली। ठीक है, आफ्टर 4-5 मंथ वी डिग इट आउट, फिर से हम उस गड्ढे को सॉइल निकालते हैं, तो अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है वो सड़ने के बाद किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, मैन्यूर फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, मैन्यूर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, व्हाट वी से, खाद बन गई। ठीक है, एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द फार्मर्स, और ये फार्मर्स के लिए क्या बेटा बहुत यूजफुल है, बिकॉज फार्मर पुट दिस मैन्यूर इन देयर फील्ड एंड ड्यू टू दिस द फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन है सॉइल का, लैंड का, वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है, एंड इट गिव्स अ गुड प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप्स। ठीक है, ये हो गया कंपोस्ट पिट कैसे होती है सब बता दिया। फिर नेक्स्ट है इंसिनरेटर्स, इंसिनरेटर ह्यूज फर्नेसेस टू बर्न गार्बेज। नेक्स्ट अब देखो इंसिनरेटर्स क्या होते हैं बेटा, समझो इसको। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग द डिस्पोजल ऑफ ए सॉलिड वेस्ट, देन मैंने आपको बताया था वन मेथड इज दैट थ्रो द गार्बेज, जो कूड़े के ढेर है उनको ओपन लैंड में थ्रो कर दो, आफ्टर 4-5 मंथ दे विल डिके एंड ऑल दिस ऑल इज वेल, बट इट इज नॉट अ सेफ मेथड बिकॉज इट गिव राइज टू लॉट ऑफ जम्स, वहां बहुत से जम्स ब्रीड हो जाएंगे और उस एरिया में बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड हमने बोला था कि इट इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड दैट बर्न द गार्बेज, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा कूड़ा को जलाते हैं तो उसकी जो ऐश होती है, राख जिसको बोलते हो, वो क्या होती है, मान लो बहुत बड़ा ढेर है, जलने के बाद थोड़ा सा बचता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, तो दैट इज ऑल्सो गुड मेथड, बट स्टूडेंट इट इज नॉट सेफ। तो इंसिनरेटर्स क्या होते हैं, ये बड़े बड़े फर्नेंस होते हैं जिसमें कूड़े को डाल के जाल ला देते हैं और वो उसकी क्या बन जाती है, ऐश। बट मैथड इज गुड, बट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैथड इज दैट वेन दीज थिंग्स वेस्ट मटीरियल्स वी बर्न इन द फर्नेस, देन लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूसेस। आपने कभी देखा है, कभी भी आप आग लगाओ तो बहुत सा स्मोक निकलते, धुआं निकलते, आपने देखा होगा, वो हार्मफुल गैसेस होती हैं। अब ये हार्मफुल गैसेस क्या होंगी, एयर में मिक्स हो जाएंगी, एक तरफ तो लैंड, तो इसमें देखो लैंड तो साफ हो गया, आपने जला दिया, सो ऑल द थिंग्स आर बर्न, सो बट एक सॉल्यूशन आपने की और उस सॉल्यूशन से नई प्रॉब्लम अराइज हो गई, क्या, एयर पोल्यूशन की, बिकॉज व्हेन दीज हार्मफुल गैसेस मिक्सअप विद द एयर देन इट क्रिएट्स अ अनदर प्रॉब्लम दैट इज अ एयर पोल्यूशन, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेफ मेथड। सो इंसिनरेटर्स क्या होता है, बर्निंग होती है, बर्निंग जला देना, बर्निंग ऑफ द वेस्ट मटीरियल इन अ बिग फर्नेसेस, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इंसिनरेटर्स बोलते हैं, इंसिनरेटर्स। अब नया, अब देखो लैंड फील्ड है, लैंड फील्ड भी आ गया, लैंड फील्ड क्या होता है, ओपन एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और कंपोस्ट पिट में। लैंड फील्ड क्या, ओपन एरिया में गड्ढे बना के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी वेस्ट है उसको क्या, जमीन में दबा देते हैं, एंड फ्रॉम द टॉप इट इज कवर्ड विद द
सॉइल और ऊपर से सॉइल से कवर कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज लैंड फिल, ठीक है, मतलब लैंड को फिल करना, पहले गड्ढा करना उसके बाद उसमें फिल कर दिया बायोडिग्रेडेबल्स और ऊपर से कवर कर दिया। पी गार्बेज, नेक्स्ट इज गार्बेज, नाउ सी स्टूडेंट, गार्बेज वेस्ट दैट इज जनरली थ्रोन आउट ऑफ होम स्कूल फैक्ट्रीज शॉप्स एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब वो कूड़ा करकट जो कहां से निकलता है, आपके हाउसेस से, इन व्हेन यू कम टू स्कूल यू सी देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉइज इन आवर स्कूल एंड हाउ दे हेल्प टू कीप आवर स्कूल क्लीन, ओके, सो दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, टू कीप द स्कूल क्लीन, ठीक है, सो दैट इज, एंड देर इज लॉट ऑफ वेस्ट आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्रीज आल्सो, तो दीज वेस्ट विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द, जो कूड़ा करकट है कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रॉम द हाउसेज, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द फैक्ट्रीज, सो दीज आर नोन एज गार्बेज। हाइजीन, हाइजीन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, हाइजीन मीन्स कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लियर। व्हेन आई टॉक यू अबाउट द पर्सनल हाइजीन देन आई टेल यू दैट वी ब्रश आवर टीथ टू कीप आवर स्किन क्लीन, व्हाट वी डू, वी take a bath every day before eating the food, after eating the food wash the hand with the soap, okay, so always trim your nails because when you are playing in a ground and if your hand touch with the ground then what's happen, lot of germs they stick in their nails also, so and maximum in people in India they are eating with the hand, मैक्सिमम पीपल हैंड से ही ईट करते हैं, हाँ कुछ करते होंगे स्पून से, डेट इज गुड हैबिट, वैसे तो स्पून से ही ईटिंग करनी चाहिए बट इन इंडिया मैक्सिमम पीपल ईट विद द हेल्प ऑफ हैंड, सो कीप योर हाइजीन फिट, यू मस्ट ट्रिम योर नेल्स, नाखूनों को टाइम टू टाइम यू मस्ट कट इट, इज इट क्लियर। नाउ आफ्टर दैट स्टूडेंट, after taking a bath you must wear clean clothes, ठीक है, dirty clothes ही नहीं पहन लेने चाहिए because उसमें बहुत से germs होंगे, फिर नहाने का क्या फायदा आपने उन्हीं कपड़ों को पहन लिया, ठीक है, we should wear clean clothes and this is your hair, okay, comb your hair, बाल में कंघी करनी चाहिए, is it clear, अगर आप बाल में कंघी करना छोड़ के देख लो 15-20 दिन फिर आपको लगेगा कि एकदम आपके बाल क्या है, सो वी मस्ट कॉम आवर हेयर्स डेली एंड आल्सो वी टेक अ प्रॉपर हेयर कटिंग आल्सो, ओके, सो वी शुड क्लीन आवर ईयर्स आल्सो, पर जॉनसन बर्ड्स आती हैं उनसे क्लियर करना, बहुत लोग क्या करते हैं स्टिक से और पेन कवर से करने लेते हैं, दैट इज नॉट सेफ, दैट इज नॉट सेफ, is it clear, so ये हो गया hygiene and surrounding cleans, surrounding cleans chapter ही यही था, how you can make your surrounding cleans, I have done lot of discussion on this that what we do to keep our surrounding cleans, there are two types of a wastes, that is biodegradable waste and non biodegradable waste, one is in the form of a and a waste, if you discuss then it is come under two category, one is liquid waste and one is solid
वेस्ट. सो हाउ वी डू द डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट, बाई मेकिंग द लैंडफिल्स, कंपोस्ट पिट, और वन मोर विच आई टेल यू, इंसिनरेटर्स, दैट इज द बर्निंग ऑफ द वेस्ट मटीरियल. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट मेथड बाई विच वी कैन डू द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट. थैंक यू.